नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरज पटेल और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज दिल्ली एनसीआर। कस्टम अधिकारियों के नाम पर चीटिंग करने वाले एक गैंग का खुलासा आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस की टीम ने किया है, जो कस्टम अधिकारी बनकर लोगों से कस्टम ड्यूटी के नाम पर पैसे मांगते थे। इसके लिए यह लोग कस्टम अधिकारी का नाम और उनकी नकली लेटर हेड बनवा कर उसका इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस मसले में कस्टम विभाग की तरफ से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें ये शिकायत की गई थी कि कुछ लोग कस्टम अधिकारियों के नाम पे या कस्टम ड्यूटी के नाम पे अपना चीटिंग का कारोबार कर रहे हैं और जो निर्दोष लोग हैं और इनोसेंट लोग हैं उनको तरह तरह से चीट कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों के नाम पे। इस मामले में कस्टम अधिकारियों को उस दौरान पता चला जब कस्टम ऑफिस में आए दिन लोगों के फ़ोन कॉल्स आने लगे कि कस्टम अधिकारी उनसे पैसे मांग रहे हैं। एयरपोर्ट पुलिस ने इस गैंग के मास्टरमाइंड क्रिस्टिन एंथोनी और उसकी साथी सैली अच्छुमी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 लैपटॉप, 7 मोबाइल फ़ोन, 8 सिम कार्ड, 11 पासबुक और 8 ATM बरामद किए हैं। अपने पूर्व योजना के तहत वो उसने फिर ऐसा फ़ोन किया कि वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ चुकी है और यहाँ पे चूँकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी और काफ़ी सामान है जिसके चलते कस्टम वालों ने डिटेन कर लिया है तो उसकी काफ़ी ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो इसलिए उसने फ़ोन किया। तो सबसे पहले उसने फिर NEFT करवाया 47,000 रुपीज़ का। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही कस्टम के नाम पर डिटेन करने के नाम पर इनसे काफ़ी पैसे लिए गए और कुल मिलाकर यह राशि कुछ दिनों में जाकर 69 लाख से ऊपर तक पहुंच गई। तब इनको अपने ठगे जाने का एहसास हुआ तो जो उनको कस्टम के जो फोर्ज लेटर्स उनके पास आए हुए थे, जो इसको कि वो मान रहे थे कि सही में कस्टम का है, उन्होंने अपने लेवल पे कस्टम में शिकायत की कि उनकी ऐसे ऐसे फियांसी आ रही थी और उसको डिटेन किया गया और इतने सारे पैसे देने के बावजूद अब तक रिलीज नहीं हुई है। तो इस तरह की शिकायत पर कस्टम ने हमें शिकायत भेजी तो इसमें जो डिटेल्स जो यूज हुए थे उसके बेसिस पे हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।